बैनर के साइज फिटिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा है और एक अच्छा सा प्रोफेशनल चैनल बैनर आर्ट आपको बनाना भी नहीं आता। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इजी और सिंपल एडिटिंग के साथ मोबाइल फोन से ही एक प्रोफेशनल चैनल बैनर बनाने का तरीका दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल मोबाइल फोन के अंदर आपको साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मोबाइल फोन के अंदर आपका बैनर बहुत ही परफेक्ट दिखने वाला है। तो इसके लिए आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम पिक्सल लैब है। इसको आप बहुत ईजिली प्ले स्टोर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको बैनर के लिए एक साइज सिलेक्ट करना होता है, तो टॉप राइट में 3 डॉट का एक निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है और यहां से आपको चूज कर लेना है यूट्यूब चैनल बैनर, फिर आपको ओके कर लेना है। अब जो बैनर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बैनर का बैकग्राउंड। तो बैनर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको टॉप पे एक ऑप्शन दिखेगा कलर का, कलर पे क्लिक करना है। यहां पे आपको दो ऑप्शन दिख जाता है, कलर का और एक ग्रेडियंट का। आपको सिंपली कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे सिंगल कलर रखना है, और सिंपली यहां पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और कोई भी एक कलर को चूज कर लेना है। वैसे मैं यहां पे बहुत सारे बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड करने वाला हूं बैनर के लिए, तो आप वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देख लेना। तो यहां पे मैं सिंपली ओके कर लेता हूं। यहां पे न्यू टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। टॉप लेफ्ट में आपको डिलीट का बटन है, इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर लेना है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बैनर का टेम्पलेट, जिससे आपका साइज बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। जो भी मैं यूज कर रहा हूं सबका सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो को एक बार आप अच्छे से जरूर देख लेना, जब भी आपको वो सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है बैनर का टेम्पलेट, आपको सिंपली इसको डन करना है। डन करने के बाद इसको बिल्कुल भी फिंगर से टच नहीं करना, अगर आप फिंगर से टच करोगे तो साइज में 100% प्रॉब्लम आएगा। इसको आपको ऐसे ही रहने देना है, स्क्रॉल करके आना है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। यहां पे एक ऑप्शन आपको दिख जाता है रिलेटिव साइज का, जस्ट आपको रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके विड्थ को आपको सिंपली 74 से 100 कर देना है। 100 करने के बाद डन करना है। आप चाहो तो इसके कलर को चेंज कर सकते हो, कलर का एक ऑप्शन दिखेगा, कलर पे क्लिक करना है, इनेबल करना है, जो भी कलर आप रखना चाहते हो क्योंकि वो बैनर का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ से आप कोई भी एक कलर को चूज कर सकते हो। मैं डन कर लेता हूँ। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस टेम्पलेट को लॉक करना है। अगर आप टेम्पलेट को लॉक नहीं करोगे, इस पर एडिट करोगे तो ये इस तरीके से हिलेगा और आपके साइज में 100% प्रॉब्लम आ जाएगा। अब यहाँ से मैं अंडू कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको टच कर दिया तो ये फिट हो गया। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसको लॉक कर लेना है। ये लॉक हो जाएगा तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं और आपका जो भी बैनर बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। अब चलिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि फोटो को कैसे आपको थोड़ा एडिट करना है बैनर के लिए। तो पहले मुंह पे देख लेते हैं। अपने फोटो को एक खतरनाक लुक देने के लिए आपको क्या करना है, एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है टोन मी। ये बहुत इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे आप अपने फोटो को जैसा बनाना चाहते हो आपको सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। जो टॉप पे आपको दिख रहा है ये बच्चे का तस्वीर, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। अब आपको अपने फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये मेरा फोटो आ गया, इसको चाहो तो अपने हिसाब से एडजस्ट या फिर जूम वगैरह कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसको। आपको सिंपली यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है, आपका फोटो कुछ सेकंड के अंदर ही रेडी हो जाएगा। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टॉप राइट में जो 3 डॉट का निशान है, सेव टू डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है तो वो नॉर्मली रखना, कोई बात नहीं। अब आपको इसके बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए एक एप्लीकेशन है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, बहुत ही काम का एप्लीकेशन है बैकग्राउंड इरेज का। ये डाउनलोड कर लोगे प्ले स्टोर से, लोड ए फोटो वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और अभी जो मैंने उसको चेंज किया था फोटो को, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, थोड़ा सा क्रॉप वगैरह कर लो आप और सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सेल्फ का, ऑटो सेल्फ वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 दिख रहा है, इसको आप चूज करोगे ऑटोमेटिक उसका जो भी थोड़ा बहुत होगा वो सही हो जाएगा। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा फ्रॉम गैलरी का, आपको कुछ भी ज्यादा एडिट नहीं करना है, बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, जब भी आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी आपको। वीडियो कंप्लीट देख लेना, बहुत ईजिली आप डाउनलोड करके यूज कर पाओगे इसको। तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड मिल जाएगा, इस तरीके से मैं बहुत सारा बैकग्राउंड आपको दे दूंगा जिसका आप यूज कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे साइज वगैरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, पहले से मैंने टेम्पलेट में इसको सब कुछ फिट कर दिया है। आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे डन करोगे इस फ्रेम में बहुत अच्छे से वो आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, इंस्टाग्राम का PNG ऐड करना, नेम ऐड करना, वो फॉन्ट वगैरह ऐड करना, वो अच्छे से देख लो आप। सिंपली प्लस वाला आइकन पे आपको क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। ये जो फोटो आपने कन्वर्ट किया था आपको सिंपली इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गया, मैं सिंपली इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद आपको आना है कुछ ऐसे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। ये दो लाइन दिख रहा होगा आपको, एक ये वाला लाइन, एक ये वाला लाइन, इस दो लाइन के बीच में जो आपका बैनर बनेगा वो आपके मोबाइल फोन के अंदर दिखेगा। अगर कंप्लीट में यहाँ अगर डाल देता हूँ तो ये नहीं दिखेगा मोबाइल फोन के अंदर, ये डेस्कटॉप साइट के अंदर दिखेगा, तो इसलिए मुझे इस दो लाइन के बीच में डालना होगा। तो कुछ ऐसे इसको एडजस्ट करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये ऊपर आ गया, तो आपको सिंपल इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो आपका टेम्पलेट है इसको जस्ट इसके ऊपर कर देना, तो वो उसके नीचे चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, आपको सिंपली दो बार इसी पे टैप करना है और जो भी आपके चैनल का नेम है वो आपको अपने चैनल के नेम को ऐड कर देना है। यहाँ पे ZTech आ गया, इसको चाहो तो जूम कर सकते हो आप। आप इसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉन्ट का, फॉन्ट पे क्लिक करना है।
जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हो यहाँ से वो फॉन्ट रख सकते हो। जैसे मैं ये वाले फॉन्ट को चूज़ कर लेता हूँ, काफ़ी बढ़िया फॉन्ट है ये वाला। सिंपली आपको डन करता है। डन करने के बाद आप इसके कलर को चाहो तो चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आप रखना चाहो। जैसे मैं स्क्रॉल करके आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको कलर का। कलर वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है, जो भी कलर आप रखना चाहते हो, सिंगल या फिर डबल। जैसे मैं इसको कर लेता हूँ येलो कलर, येलो कलर आ गया। अब मैं इसको कर लेता हूँ, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है फिर आपको, और इस वाले पार्ट को मैं कर लेता हूँ वाइट कलर। तो ये वाइट कलर हो गया, हाफ हो गया इसका येलो, हाफ हो गया वाइट कलर। डन कर लेता हूँ। अब आपका जैसा वीडियो है, ब्लॉग है, एजुकेशनल है, म्यूजिक है, टेक्निकल है, जैसे मेरा टेक्निकल है तो मैं टेक्निकल के हिसाब से कैप्शन ऐड कर लेता हूँ। जैसे तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक अनबॉक्सिंग, जो भी आपका होगा। ब्लॉग होगा तो ब्लॉग के अकॉर्डिंग कर लेना, जैसा आपका चैनल होगा उसके हिसाब से जो भी आपको वहाँ पे स्लोगन डालना है डाल लेना। इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहो तो इसके फॉन्ट को भी आप चेंज कर सकते हो जैसा रखना है। जैसे मैं इसके फॉन्ट को ये वाला स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, डन हो गया। अब यहाँ पे इसके कलर को चेंज करना है तो इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो जैसा कलर रखना है। जैसे मैं स्क्रॉल करके आता हूँ, कलर का एक ऑप्शन है, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं कोई ये वाले कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप जैसा कलर चाहो वैसा कलर अपने हिसाब से रख लेना। अब मैं सिंपली यहाँ पे इंस्टाग्राम फेसबुक का यूज़र नेम ऐड करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ, और उसके PNG को सिलेक्ट करता हूँ। ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का PNG आ गया। आपको कुछ इस तरीके से फिंगर से छोटा करना है और कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसको आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, स्क्रॉल करके आना, पोजीशन का ऑप्शन है, पोजीशन पे क्लिक करना, और जहाँ पे आप रखना चाहते हो कुछ इस तरीके से इसको आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ और दोनों को इसी तरीके से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ उसके। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का ऐड कर दिया है ज़िया टेक्निकल, तो इसका फॉन्ट ऐड हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, इसी को आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो दोनों का फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का सेम रह जाएगा फॉन्ट। अदरवाइज़ क्या होगा कि दोनों का अलग अलग हो जाएगा, किसी का साइज़ बड़ा किसी का छोटा हो जाएगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है, कॉपी आ गया। आप सिंपली जो भी आपके फेसबुक का है वो ऐड कर देना, जिसको ऐड कर लेता हूँ कुछ ऐसे, और इसको आप लेकर यहाँ पे फेसबुक की जगह पे ऐड कर दो, तो ये फेसबुक वाला यूज़र नेम फेसबुक की जगह हो जाएगा। फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, एक सब्सक्राइबर बटन मिलेगा, ये भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर बटन को लेना है, छोटा करना है बिल्कुल कुछ ऐसे, और लाकर यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। फाइनली आपका जो चैनल बैनर है वो बन के रेडी हो चुका है। आपको सिंपली इसको सेव कैसे करना है, बिल्कुल अल्ट्रा में, जिससे क्या होगा कि आपका कितना भी बड़े स्क्रीन पे देखोगे, जूम करोगे, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया बहुत अच्छी आएगी। आपको इसको सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जो आपका टैंपलेट है, टैंपलेट को जस्ट आपको डिलीट करना है, तो ये लाइनिंग बीच से हट जाएगा। सिंपली प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, और कुछ ऐसा टैंपलेट भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे डाल दूंगा। आपको जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके आना है, रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके विड्थ को 100 करना है, इसको भी 100 कर देना है, डन कर देना है। ये हो गया आपका, इसको लॉक करो। लॉक करने के बाद शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे 2560 है, 2560 को आपको क्या करना है, चेंज करके कर देना है 7680। ये क्या होगा, बिल्कुल अल्ट्रा में आपका सेव होगा 7680, और इसको कर देना है 4320। आपको सिंपली सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारी मटेरियल्स मैं डेली बेसिस पे भेजता रहता हूँ बैनर से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, और ये आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, बिल्कुल नीचे लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना ईजिली।